सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है आनंद और आज गाइस मेरे पास आ चुका है टेक्नो की तरफ से आने वाला टेक्नो पोवा 3 स्मार्टफोन। सो गाइस आज हम लोग इस फोन में फ्री फायर टेस्ट करने वाले हैं। तो गाइस बॉक्स के पीछे कुछ स्पेसिफिकेशन आप लोग को लिखे हुए मिल जाएंगे, जैसे कि 7000 mAh का बैटरी विथ 33 वाट फास्ट चार्जर। और गाइस यार बैटरी बहुत बड़ी देखने को मिल जाती है इस फोन में। उसी के साथ गाइस इस फोन में आप लोग को हीलियो G88 का गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है और 6.9 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले विथ 19Hz रिफ्रेश रेट के साथ देखने को मिल जाता है। उसी के साथ 50MP का ऑल ट्रिपल कैमरा भी देखने को मिल जाता है इस फोन में बैक में। और गाइस जो ये वेरिएंट है ये है 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज वाला। तो गाइस फटाफट से पहले हम लोग बॉक्स को अनबॉक्स करते हैं और फोन का लुक और डिज़ाइन को देखते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैं फटाफट से पहले बॉक्स को अनबॉक्स कर लेता हूँ। तो यहाँ पर मैं पन्नी पहले हटा लेता हूँ और यहाँ पर ये बॉक्स हो गया अनबॉक्स। तो गाइस बॉक्स को अनबॉक्स करते ही सबसे पहले आप लोग को फ़ोन देखने को मिलता है जो कि गाइस काफ़ी अच्छा मतलब बैक से दिख रहा है। अभी गाइस हम लोग बाद में देखेंगे, उसके पहले हम बॉक्स में देख लेते हैं और क्या क्या मिल जाता है आप लोगों को। तो गाइस बॉक्स में आप लोग को एक कवर भी देखने को मिल जाता है जिसकी क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है। और गाइस ये एक ट्रांसपेरेंट कवर है और क्वालिटी काफ़ी अच्छा है इस कवर का। बाय द वे आप लोग को बॉक्स में एक 12 मंथ का वारंटी कार्ड, उसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंटेशन और यहाँ पर एक आप लोग को केबल भी देखने को मिल जाता है। और ये केबल गाइस टाइप सी केबल है, काफ़ी अच्छी बात है गाइस। टाइप सी केबल बॉक्स में ही देखने को मिल जाता है और सिम इजेक्टर टूल भी देखने को मिल जाता है और 33 वाट का फास्ट चार्जर भी देखने को मिल जाता है। तो गाइस बॉक्स में कंटेंट काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। और गाइस जो फ़ोन का डिज़ाइन है वो गाइस मेरे को काफ़ी पसंद आया। तो गाइस फटाफट से फ़ोन में फ्री फायर को इंस्टॉल करते हैं, फ़ोन को सेटअप करते हैं और चलते हैं फ्री फायर के लॉबी में। सो गाइस यहाँ पर मैंने फ्री फायर को ओपन कर लिया है इस फ़ोन में। और गाइस अभी मैं फ्री फायर टेस्ट करने से पहले मैं अपना मतलब पूरा जो सेटिंग होता है, सेंसिटिविटी वगैरह होता है, ग्राफिक्स वगैरह सारा चीज़ आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं गया सेटिंग पे, सेंसिटिविटी पे चलता हूँ। और गाइस मैं आप लोग को बता दूँ कि मैं सारा सेंसिटिविटी 100 पर रखकर खेलूँगा, जिससे कि गाइस मेरे को पता चल सके कि इसका डिस्प्ले है कैसा, यानी कि सेंसिटिविटी वगैरह कैसा है इस फ़ोन का। तो गाइस यहाँ पर मैंने 100% कर लिया है। अभी चलते हैं यहाँ पर, हम लोग चलते हैं डिस्प्ले पे। और गाइस डिस्प्ले पे यहाँ पर मैं मैक्स पे खेलूँगा, मतलब मैं जो ग्राफिक्स है वो मैक्स पे रहेगा और हाई रेजोल्यूशन सारा मैक्स हाई पे रहेगा और शैडो भी ऑन रहेगा और हाई FPS भी हाई पे रहेगा और फिल्टर भी OCN रहेगा, मतलब सारा चीज़ें हाई पर रखकर खेलेंगे और देखेंगे कि लैगिंग वगैरह इस फ़ोन में देखने को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो गाइस फटाफट से मैं एक क्लैश स्क्वाड मैच लगा लेता हूँ और गाइस फटाफट से चलते हैं फाइट वाले सीन पे, जिसे मैंने बंदों से फाइट किया है। तो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका हूँ फाइट वाले सीन पे। और गाइस इधर मेरे को एक बंदा दिखा था, अभी देखते हैं गाइस बंदा किधर गया है। गाइस देखो गाइस उधर फायरिंग वो कर रहा है। बाद में अभी हम चलते हैं पहले इधर, मतलब छिपना पड़ेगा मेरे को। और इधर एक बंदा है, थोड़ा मतलब फायरिंग करते हैं भाई, मतलब गोली कनेक्ट नहीं हुआ। बाद में कोई बात नहीं, अभी गाइस सेंसिटिविटी वगैरह मतलब अच्छा खासा है इस फ़ोन का। अभी मैं आप लोग को सारा रिव्यू दूंगा इस फ़ोन का, आप लोग टेंशन ना लेना। अभी इधर एक बंदे है, पहले इसको मार लेते हैं, देखते हैं हेडशॉट लगता है या नहीं लगता। तो वो भी है सब 99 का हेडशॉट लगा, अभी बंदा डाउन है, इसको फिनिश कर लेते हैं पहले। सो गाइस यहाँ पर मैं आ चुका सेकंड क्लिप की तरफ और देखते हैं सेकंड क्लिप में क्या होता है। अभी गाइस देखो उधर एक बंदा है, अभी इसको हम एम करते हैं। वो भाई साहब क्या 59 का एक हेडशॉट कनेक्ट हुआ है, अभी इसको मारने चलते हैं। अभी भाई उधर वो छिपा है, तो देखते हैं भाई निकल जा, भाई निकल जा इधर। ये इसके पीछे ये देखो, अरे भाई भाई बच गया, थोड़ा सा बचा था। SP स्कैलर फेंक रहा है, बाय द वे मेरे पास भी स्कैलर है, अभी मारूंगा स्कैलर। अभी वो भी मेडिकेट मार रहा है, पहले मैं मेडिकेट मार कर उसके बाद स्कैलर फेंकता हूँ। इधर ये गया बंदा डाउन। सो गाइस आपने गेम प्ले देखा है इस फ़ोन का, काफ़ी अच्छा गेम प्ले इस फ़ोन में हो जाता है। तो गाइस अभी हम लोग फटाफट से इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस ये फ़ोन आप लोग को अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा अंडर 13,000 में। और गाइस इसमें आप लोग को दो वेरियंट देखने को मिलते हैं, एक गाइस 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है और एक वेरियंट गाइस 4GB RAM और 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है। तो गाइस जो 6GB RAM और 128GB स्टोरेज वाला वेरिएंट है वो गाइस आप लोग को अंडर 13,000 में देखने को मिल जाएगा, और जो 4GB वाला वेरिएंट है वो गाइस आप लोग को अंडर 11,000 में फ्लिपकार्ट अमेजोन पे देखने को मिल जाएगा। सो गाइस अभी हम लोग फटाफट से इस फ़ोन के सारे स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो गाइस इस फ़ोन में आप लोग को देखने को मिल जाएगा 7000 mAh का काफ़ी बड़ा बैटरी विद गाइस 33 वाट फास्ट चार्जर। तो गाइस यार बैटरी काफ़ी बड़ा है और फास्ट चार्जर भी आप लोग को देखने को मिल जाता है। गाइस ये बैटरी आप लोग को इजीली 7 to 8 आवर मतलब बैटरी बैकअप दे देगा, मतलब गेमिंग के टाइम पे। तो गाइस बैटरी काफ़ी बड़ा है इस फ़ोन का, तो बैटरी के रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है इस फ़ोन में। अभी गाइस हम लोग बात कर ले रहे हैं इस फ़ोन के मतलब जो प्रोसेसर है उसके बारे में। और गाइस प्रोसेसर ही फ़ोन का मेन पॉइंट होता है। तो गाइस इस फ़ोन में आप लोग को मीडियाटेक का हीलियो G88 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है,
तो गाइस प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी सारे फ़ोन में ये प्रोसेसर यूज़ हुआ है। तो गाइस प्रोसेसर को लेकर आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करने को मिलेगा। ये प्रोसेसर काफ़ी अच्छे तरीके से गेम को हैंडल कर लेता है, कोई मतलब कोई भी बड़ा गेम हो उसको आराम से हैंडल कर लेता है। तो गाइस प्रोसेसर भी काफ़ी अच्छा है इस फ़ोन का, आप लोग को आराम से फ्री फायर मैक्स पे मतलब फ्री फायर मैक्स सेटिंग पे आराम से आप लोग मतलब खेल सकते हो इस प्रोसेसर से। तो गाइस प्रोसेसर काफ़ी अच्छा है। अभी हम लोग बात कर ले रहे हैं इस फ़ोन के डिस्प्ले के बारे में। तो गाइस इस फ़ोन में आप लोग को 6.9 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलता है, वो भी गाइस 19 हर्ट्ज़ रिफ्रेश रेट के साथ। तो गाइस डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, जब मैं खेल रहा था इस फ़ोन में तो मेरे को काफ़ी स्मूथनेस फील हो रहा था, काफ़ी स्मूथ तरीके से ये मतलब फ्री फायर को रन करा देता है, या फिर कोई भी मतलब कोई भी ऐप हो गया या फिर कोई भी गेम हो गया, काफ़ी अच्छा तरीके से मतलब काफ़ी स्मूथ ये फ़ोन चलता है, क्योंकि गाइस इसमें 19 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी है। तो गाइस मतलब डिस्प्ले को लेकर भी आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो गाइस ओवरऑल अगर देखें तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, मैं तो कहूँगा गाइस आप लोग इस फोन को ले सकते हो, गेमिंग के लिए ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है। तो गाइस यार यही था आज का वीडियो, अगर आपको आज का वीडियो पसंद है तो गाइस प्लीज़ लाइक करना और चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।